क्या बोले पुलिस वाले, यहाँ से चले जाओ, हम ना एक्शन ले रहे, पकड़ रहे। बोले आज अब तक भी सुने पकड़े उन्हें, आजाद फिर रही उन्हें, बस इंसाफ होना, उसको पकड़ना, उसका सब लाइसेंस जब्त करना, हमारे भी हॉस्पिटल बंद होना, उसको सजा होना। बस हमारे साथ हुआ जो दूसरों के साथ नहीं होना, हमारे साथ जो हो गया पलट के तो नहीं आता वापस, आगे वालों के साथ नहीं होना। बस ऐसा नहीं चार दिन हमारे सामने दिखा रहे तो बंद कर दिए, चार दिन के बाद पैसे खा के उसको छोड़ दिए, उसका दवाखाना चलना च नहीं। पुलिस अगर आपको सपोर्ट नहीं करे तो मेडिकल ऑफिसर से कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ तो पुलिस खाली भरोसा दे रही, पुलिस के भरोसे पे तो यहाँ तक आ गए हम, आज को सात दिन हो गया, यहाँ तक आ गए हम। एक तरफ काम कर रही पुलिस, एक तरफ का काम कर रही, अब मिल के क्या कर रही पुलिस हम तो नहीं जानते, अल्लाह को मालूम है, पुलिस को मालूम है। बस सुने, बस हमारे को इंसाफ होना, मैडम को यहाँ बुलाना। बस क्या कर रहे पुलिस वाले, डॉक्टर है, डॉक्टर से गलती होती, किसी को किसी को नहीं जमता, ऐसा होती गलती, किसी की कहते बॉडी गर्म रहती, किसी को ठंडी रहती। भाई पुलिस वाले डॉक्टर का काम कब से कर रहे, पुलिस तो पुलिस का काम इंक्वायरी करेंगी, डॉक्टर का काम पुलिस कर रही, तो डॉक्टर की जरूरत कुछ नहीं है फिर हॉस्पिटल में। शुगर थी आपके वाइफ को बोले तो 3 साल से शुगर है, मेरे बच्चे शुगर में छोड़े, शुगर में ऑलरेडी, शुगर में 9 महीने से बता रहा हूँ, ऑलरेडी 9 महीने से यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा मेरा पूरा। सुने आप, सुने, दो बच्चिया शुगर में हुए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद थे, हमारे भाभी सेहतमंद थे। सुने आज दो जाना चले गए, क्या जिद्दी हमारे दिल पे, पहले पुलिस उनको कागज फिरा रही, हम एक्शन ले रहे मैडम जाओ, हम एक्शन ले रहे सर जाओ, बोलते हमारे तो भिजा दिए, अब यहाँ ला रहे हम हमारी जेठानी को तो नाने ने दिए, और आप घर पे भी जाके देख ले सकते, पुलिस वाले संगत एम्बुलेंस में गए घर तक, और कहीं ना रोकना एम्बुलेंस, कहीं ना रोकना कोरोना पेशेंट है, जब इतनी अच्छी नहीं करे अब कहीं क्यों करे, कहीं नहीं रुकना, पहाड़ी में रुकना एम्बुलेंस बोले। सुने बस इंसाफ होना, हमें तो दूसरा कुछ भी नहीं, आप इंसाफ करिए साहब। बस सुने आप, आज शाम में हमको 3 लाख का ऑफर दिया सरला मैडम का, कजन है कहते इन्हें आ रहा जा रहा, पूरे दवाखाने में इंक्वायरी लेकर सरला मैडम को पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दवाखाने की ले है पोस्टमार्टम, बच्चे का नको करो, बच्चे जो हो गया हो गया, आप ना जो बोले मैं तो, आप लोग बोले मैं करता दे रहा, क्या बोले ठीक है जो बोले वो करता है, अरे बिल्कुल भाई हमारे बच्चे को वापस ला दो, हमारे भाभी को बेड पे से उठा दो, और ऐसा कैसा होता कहते, ऐसा कैसा होता तो तू नहीं सोचा, दो दो जानों को खाना मत जाता हूं मैं, मेरे तस्वीर का इंतजाम करने आज शाम में इंशाल्लाह ताला, आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों के ऊपर भरोसा है, पुलिस वालों के ऊपर भरोसा है, हम लोगों को ये बोल के खत्म। सुनिए आप हेल्थ हेल्थ मिनिस्टर साहब साथ गुजारिश है, ये कारोबार करिए अब इसके बारे में। 22 तारीख के दिन में मेरी वाइफ को ले लेके आया था भाई, मेरे बच्चे का डेड इधर ही होगा भाई, सरला मैडम हॉस्पिटल में इधर कुछ भी, इधर मेरे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा साहब, मेरे बच्चे का डेड हो गया, आज मेरे वाइफ का भी जो कल रात में 12 बजे डेड हो गया साहब, मैं इतना प्रोटेक्ट करने के बाद भी यहाँ कोई कुछ हरकत नहीं हो रही साहब यहाँ पे, या आगे भी क्या ऐसी जाना जाते रहेंगे क्या साहब, मेरे तरह कोई भी जो है मेरे बच्चों के सर का उलवा भी यतीम होते रहेंगे क्या साहब। हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि इसके बारे में कुछ अजीज कदम उठाइए, इसका लाइसेंस कैंसिल करिए और इसका हॉस्पिटल बंद करिए साहब, मेरा जो है वाइफ भी चलेगा, मेरा बच्चा भी चलेगा, जब ये जो है सरला मैडम के लापरवाही की वजह से साहब, आज देखिए आज मेरी हालत 6 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ साहब, आप मेरी हेल्प करिए, थोड़ी मेरी मदद करिए, और इस केस पे जो है आप थोड़ी तवज्जो लीजिए साहब। हाँ कंप्लेन भी करी हुई है साहब, संतोष नगर पीएस में करी हुई है साहब जी, और कराई हुई है साहब। मैंने आप काफी आज भी हॉस्पिटल चल रहा साहब, इतना सब होने के बाद भी साहब। सुनिए आप, ये देखिए ये एफआईआर की कॉपी है मेरे पास। सुनिए साहब, अभी जो है मेरी वाइफ का पोस्टमार्टम हो के अभी उधर से निकले, मैं इधर आया साहब, मेरे को जो है साहब मेरे को इंसाफ चाहिए साहब, मेरे को इंसाफ चाहिए मेरे को साहब, आज मेरे दो बच्चियां जो है हॉस्पिटल वालों का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है साहब, मैं जो है यहाँ पे 3:30-4 के दरमियान में आया, मैं रात में 4 बजे तक था साहब यहाँ पे, स्कैनिंग निकाले, इंजेक्शन आ दिए, कोई डॉक्टर का जो है रिस्पॉन्स ही नहीं है यहाँ पे साहब। सुनिए आप, जी हम लोग यहाँ लाके जो प्रोटेक्ट करेंगे बोले साहब, हम यहाँ पे कुछ नुकसान करने के चक्कर में नहीं थे साहब, हम सीधा लाके इसी जैसे आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम इसी कर लेके चले जाएंगे बोले, तो साहब लोग लको बोले, हम उनकी बात पे और उनके भरोसे पे हम लोग आए तैयार, तो वहाँ जो फैसला करेंगे, मेरे को इंसाफ होना है साहब, आप लोग की मेहरबानी। सुनिए लेकिन यहाँ पे लाश की लको लाओ बोल के बोल रहे हैं साहब, यहाँ पे बीवी की लाश को लको लाओ, चलो सुनिए आप हमारी लाश बीवी की यहाँ पे लको लाओ बोल के बोले, हम लोगों की बात पे एक्सेप्ट कर लेके जो है हम लोग यहाँ पे भिजा दिए, हम लोग
हमारे को जो इंसाफ होना है साहब, आज मेरे दो बच्चे आए, आज यतीम बैठे हुए साहब, आगे चल के मैं ये जो कर रहा हूँ ना साहब, किसी के भी जो ऐसा नहीं होना बोल के साहब, ये हॉस्पिटल के बारे में आप इंक्वायरी कीजिए, जरा मालूम करिए इसमें कितने केस आए, ऐसे कितने जने जो उजड़ चुके हैं यहाँ पे, कितने बच्चे जो यतीम हो गए आने से पहले साहब, जरा मालूम करिए साहब, हुकूमत से दरखास्त। और पैसों की भी हमारे कहने परसों आके कोई सरला मैडम के सर्जन है, कहते हैं राज नाम है उनका, अब जो है बच्चे का जो भी होगा हो गया, हम लोग जो आपको 3 लाख रुपए ऑफर कर रहे हैं, हम 3 लाख रुपए देते बोल के मालूम हुआ साहब, पोस्ट मार्टम लको करो बोल के बोल रहे साहब, हमारे मालूम हुआ साहब, सुने हमारे भाई को बोल के गए, मैं ऊपर ही था वाइफ कहने साहब, इसके बारे में जल्द कदम उठाइए साहब, आप लोग मेहरबानी होंगी आपकी साहब, सुनिए आप जी, जबीन सुल्तान है उनका नाम, 38 है साहब, 5 दिन हो गया साहब बच्चे।